एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है। तो देखिए, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो क्वाड्रिलेटरल की भी हमारी 4 साइड्स होती हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। और स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती हैं। अ स्क्वायर हैज ऑल्सो 4 साइड्स। दैट मीन्स जो हमारा स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। नाउ बी पार्ट, दैट स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सो इट इज अ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स एक स्क्वायर हमारा पैरेललोग्राम भी है। नाउ कमिंग टू पार्ट सी। पार्ट सी में बताना है एक स्क्वायर रोम्बस भी है। देखिए, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की भी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और स्क्वायर की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल। देखिए, हमने यहीं पे बात की थी कि सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। पार्ट 4 में बताना है कि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी है। देखिए, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसको वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। सो अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम वेयर वन एंगल इज 90 डिग्री। और स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल।